क्लास 7 लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस चैप्टर में हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अनुपस्थिति की वजह से क्या क्या होगा, ठीक है, क्या लॉस होगा, ठीक है, जीवन संभव होगा कि नहीं होगा, इन सभी चीज़ों को हमने देख लिया है। तो हम यहाँ तक देख चुके थे और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन एज। देखिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों की लीव्स को, पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, लीव्स जो होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनके सेल्स को कंटेन करता है, ठीक है, क्या करता है, सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करके और वाटर को यूज़ करके वह क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। इसको हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ठीक है, इसके बाद हमने वाटर ले लिया, ठीक है, इन दोनों के साथ साथ सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है कि प्लांट का खाना बनता है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया कि प्लांट के लिए फूड हो गया, ठीक, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, मतलब ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो क्या हो गया, CO2 हो गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O आप ले लेंगे, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, वाटर हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिल गया, एटमॉस्फेयर से, और वाटर हमें प्लांट के रूट से मिल गया, ये दोनों हमें मिला, ठीक है। इसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और ये कहाँ होगा, जहाँ पे क्लोरोफिल होगा, ठीक है, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, ठीक है, तो क्लोरोफिल हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करेगा, भोजन बनाएगा प्लांट अपना, तो उसे हम क्या कह देंगे, कार्बोहाइड्रेट, और उस समय कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, ठीक है, इसको आप समझिएगा, ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, इसको आप रटने की कोशिश मत करिएगा, इसको आप समझिएगा, ठीक है। तो आप इसे कैसे समझेंगे कि क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, प्लांट के फोटोसिंथेसिस क्या होती है, प्लांट के भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो प्लांट के भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और क्या चाहिए हमें, सनलाइट होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर इतनी सारी चीज़ें एक प्लांट को, ये सारी रिक्वायरमेंट उसकी फुलफ़िल होंगी, ठीक है, तो क्या बनेगा, उसका भोजन बनेगा जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, इसको भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस का एक यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, प्लांट ले रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस हमें दे रहा है, साथ ही साथ उसको सनलाइट, यहाँ सन से मिल जा रही है, और उसका भोजन कहाँ बन रहा है, ये क्लोरोफिल पत्तियों में है ना, तो यहाँ बन रहा है, ठीक है, और वाटर उसको कहाँ से मिल जा रहा है, यहाँ ज़मीन से, ठीक है, ये रूट से ले रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज, इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, हम जानते ही हैं, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द प्रेजेंस, इंडिकेट द ऑक्रेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो भी स्टार्च प्रेजेंट होता है लीव्स में वो फोटोसिंथेसिस के ऑक्रेंस को दिखाता है, यानी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ठीक है, यानी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसको दिखाता है, ठीक है। स्टार्च का मतलब भी यहाँ क्या हो गया, प्लांट के लिए भोजन ही हो गया, ठीक है। आगे देखिए एक्टिविटी 1.1 दिया है, टेक टू प्लॉटेड पॉटेड प्लांट ऑफ सेम काइंड, हमें एक तरह का दो प्लांट ले लेना है, ठीक है, हमें दो गमले ले लेने हैं, ठीक, कीप वन इन डार्क और इन ब्लैक बॉक्स, हमें एक डार्क कमरे में यानी अंधेरे घर में रख देना है, ठीक है, या एक काले कलर के बॉक्स में रख देना है फॉर 72 आवर, 72 घंटों के लिए, एंड अदर इन सनलाइट, और दूसरे को कहाँ रख देना है, सनलाइट में रख देना है, मतलब सूरज की रोशनी में रख देना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विथ द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6, उसके बाद हमें आयोडीन टेस्ट करना है जैसा कि हमने क्लास 6 में किया था दोनों प्लांट्स के लीफ पर, ठीक है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, उसके बाद हमें अपने हमारा जो भी रिजल्ट आएगा हमें उसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है, जो भी कलर चेंज होता है, ब्लैक ब्लू जो भी होता है, हमें उसे रिकॉर्ड करना है जैसा कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन डार्क, उसके बाद हमें क्या करना है, उस पॉट को, उस गमले को छोड़ देना है जो कि हमने सबसे पहले डार्क में रखा था, अंधेरे में रखा था, ठीक है, कहाँ छोड़ देना है, सनलाइट में, कितने दिनों के लिए, 3-4 दिनों के लिए, एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन, और उसके बाद दोबारा हमें उसके पत्तियों पर आयोडीन टेस्ट करना है, ठीक।
रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। तो अब आपको फिर अपना जो भी ऑब्जर्वेशन मिला, जो भी आपको दिखाई दिया, उसको फिर से अपने नोटबुक में आपको नोट करना है। सबसे पहले क्या किए आप, दो गमले लिए, एक को अंधेरे कमरे में रख दिए और एक को सनलाइट में रख दिए, ठीक है। दोनों की पत्तियों पे आपने आयोडीन टेस्ट किया, ठीक है, जैसा कि क्लासिक्स में आप पढ़ चुके हैं उस तरीके से किया, ठीक। उसके बाद से क्या किया आपने, जिस गमले को अंधेरे में रखा था उसको आप फिर सनलाइट में ले आए। उसको 3-4 दिनों के लिए सनलाइट में रखने के बाद से दोबारा आपने उस पर आयोडीन टेस्ट किया और अब की बार आपको क्या देखने को मिला, आपको उसको नोट करना है, ठीक है। द लिप्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लिप्स ग्रीन नहीं दिखती हैं उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। कई पत्तियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हमें पीली पीली स्पॉट दिखती है, ठीक है। तो वो जैसे क्रोटॉन का आप देखे होंगे, उसमें क्या होती है, येलो येलो स्पॉट रहती है, ठीक है, वो ग्रीन पूरी नहीं दिखती लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। जो बड़े अमाउंट में रेड कलर, ब्राउन कलर या दूसरा कलर होता है वो ग्रीन कलर को क्या कर देता है, हाइड कर देता है, छिपा देता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लिप्स ऑल्सो। और